अच्छा, अब इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, इसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, अभी आ जाएगी 28,678। ये सेकेंड वीक की लेबर कॉस्ट है, ठीक है ना, ये सेकेंड वीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12th था, ये मैंने कंप्लीट इसलिए करवाया कि ये एकदम रिवाइज हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। अब इससे आगे जितने क्वेश्चन है वो पास्ट पेपर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, पास्ट पेपर में जो आए हुए हैं आई कैप के ही क्वेश्चन है, जब पुराने पेपर होते थे, और इनमें से ये रिपीट भी कर रहा है। आपको देखेंगे जो अभी एक अलग क्वेश्चन आया वो पिछले में से ही आया, ये 2001 का पेपर है, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कैलकुलेट द एम्प्लॉय वाइज पेरोल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2001 सेपरेटली शोइंग द बेसिक पे एंड बोनस पेबल ऑफ ईच एम्प्लॉय। एक्चुअली इसमें फोर एम्प्लॉयज हैं, ए बी सी डी, और चारों की आपने कैलकुलेशन करनी है। इसमें बेसिक पे भी कैलकुलेशन करनी है आपने और उसका बोनस भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, और उसकी टोटल पेरोल हो। तो इसको आप एक टेबल की फॉर्म में करना चाहें वो आपकी मर्जी है, वर्किंग में ले जाना चाहें वो आपकी मर्जी है, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन देखें, एमर्सन एफिशिएंसी प्लान एस्टैब्लिशेस अ स्केल ऑफ बोनस रेशियो बिटवीन लो टास्क एंड हाई टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बोनस एज अ सर्टेन एफिशिएंसी लेवल इंक्रीजिंग बाय small increments to successively large increments cumulating to a determined bonus at 100% efficiency. Above 100% efficiency additional bonus is allowed. Uske baad khashkhali enterprises adopted the Emerson efficiency plan for their cigarette packing plant which implies four workers bonus is paid to workers in addition to basic pay which is fixed by the labor authorities. Brief synopsis of the scheme is as follows. Look, up to 75% efficiency, 0% bonus, ये मैंने आपको उसमें discuss भी किया था, 76% से 85%, 2.5% bonus, 86 से 98% पे 7.5% bonus, और 9% above पे 15% bonus. Standard time है 3 minutes per carton, यानी एक carton पे 3 minutes standard time है, मिनिमम बेसिक पे इज 3375, ये मिनिमम पे आ गई और ये उसकी बेसिक पे है, ये तो आनी आनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2001 इज एज फॉलोज, ये एक्चुअल पैकिंग की है चारों डिपार्टमेंट चारों वर्कर्स ने। सो अगस्त 2001 कंसिस्टेड ऑफ 25 वर्किंग डेज ऑफ 9 आवर्स ईच एंड देयर वाज नो एब्सेंटीज ड्यूरिंग द मंथ। For the purpose of calculating standard per unit labor rate, minimum efficiency is considered as normal packing. तो यहाँ से हमने उसने और भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 आपके डेज है, 25 डेज है। और एक वन डे में 9 आवर्स काम होता है। यहां से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, इसके साथ स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखिए फॉर्मेट इसके बड़ा मैटर करता है कॉस्टिंग में। ऐसा फॉर्मेट रखना चाहिए मुझे कि जिसमें मैं कम टाइम में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं और वर्किंग कम से कम इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसके लिए हम एक टेबल में इसको अगर कन्वर्ट कर ले इट बिकम्स इजियर। लाइक जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में मैं सबसे पहला कॉलम लेता हूं वर्कर्स। अब यहां पर फोर वर्कर्स हैं, मैं सारों की कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं ए की कैलकुलेशन कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है जी। उसी तरह सारी हो जाएगी, ए वर्कर है, उसके बाद ये चाहिए बेसिक पे और बोनस चाहिए, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन में बोनस के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसमें दो मेथड है करने के, या तो टेबल में ले आए या उसको वर्किंग में ले जाए। मैं
मैं उसको अगर टेबल में लाऊं तो कैसे लाऊंगा वो भी देखेगा। अब बोनस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन अगर कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड हमारा कितना है, ये हमने पढ़ा था 3 मिनट्स है। एक कार्टन को पैक करने के लिए 3 मिनट्स का टाइम आपने उनको दिया हुआ है और ए वर्कर 3750 कार्टन जो है वो पैक कर रहा है। अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो कैसे कैलकुलेट होगा ए का स्टैंडर्ड टाइम, जी 3750 कार्टन बनाए और अगर हर 3 मिनट में एक कार्टन जो है वो आपका बेसिकली होना चाहिए। अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रिक्वायर कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप निकालेंगे सॉरी और से कितने आवर्स काम किए, देखो 25 आवर्स काम किए वो तो एक्चुअल है, 25 आवर्स काम किए और एक 25 डेज है और 9 आवर्स है। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 225, ये नंबर ऑफ आवर्स आ गए। अच्छा अब इन अगर एक पर्सन 225 आवर्स वर्क कर रहा है पूरे मंथ में तो उसको कितने कार्टन पैक करने चाहिए, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। तो अब उसको हर 3 मिनट में एक कार्टन पैक करना है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि एक 1 आवर में 20 कार्टन वो पैक करेगा, ठीक है, एग्री करते हो? कैसे मल्टीप्लाई 60 मिनट्स होते हैं और 3 मिनट का स्टैंडर्ड है तो 20 कार्टन उसको एक वक्त में पैक करने चाहिए। इसको आप मल्टीप्लाई करें, दिस इज 20 × 225 विच इज 4500, ये उसका स्टैंडर्ड है। यानी एक को 4500 कार्टन बनाने चाहिए थे, बनाने हैं, और एक्चुअल कितने बनाए इसने, एक्चुअल प्रोडक्शन जो की है पैक कितने किए, ये क्वेश्चन में गिवन है 3750 कार्टन। तो एक्सेस प्रोडक्शन कितनी दी है उसने, एक्सेस प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन उसकी दोनों का डिफरेंस ले लें 750। अब यहां से मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, अब एफिशिएंसी अगर निकाल लूं तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल निकालें तो कितने परसेंटेज बनता है, ये आपके सामने है 4500 एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड, एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड उसे कम बनाया ना तो एक्चुअल ओवर स्टैंडर्ड होता है उसका प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी से निकाल लो 83.33% एफिशिएंसी। क्वेश्चन में आइएगा, ये ध्यान में रखिएगा 83.33% इसमें फॉल कर रहा है दिस वन, और इसको बोनस एप्लीकेबल होगा 2.5%, इस एम्प्लॉय को जो बोनस एप्लीकेबल होगा वो 2.5%। तो सिंपल आप क्या करोगे, आप इसकी बेसिक पे निकालोगे, बेसिक पे कैलकुलेट नहीं करनी मुझे, बेसिक पे इज गिवन इन अ क्वेश्चन, यू कैन सी द बेसिक पे इज 3375। अच्छा ये जो बेसिक पे है ये हर वर्कर की सेम है, इस पे फर्क कोई नहीं है, लेकिन बोनस परसेंटेज जो है वो हर एक की डिफरेंट होगी। तो बोनस जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो एफिशिएंसी को देखते हुए 2.5% रेट आ रहा है, तो मैं 3375 का 2.5% लूंगा, कितना आएगा 3375 इसको अगर राउंडिंग करें 2 डेसिमल तक 84.38, तो अब इसकी ग्रॉस पे बन जाएगी, जो ग्रॉस पे है उसकी वो इसमें प्लस कर देंगे 3375 में 3459
नाइन पॉइंट थ्री एट ठीक है. दिस इज एमर्सन प्लान, ये हमारा एमर्सन प्लान है, ठीक हो गया. अब ये मैंने एक वर्कर की कैलकुलेशन की है, बाकी वर्कर की कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, ठीक है, बाकी की प्रॉब्लम नहीं है. ए निकल आया, अब सिर्फ फर्क ये होगा जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका बोनस रेट बढ़ता जाएगा. 7.5% भी बोनस रेट है, 15% भी है. अब अगर आप देखें बी वर्कर को, अगर आप वैसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो सिर्फ 4625 क्वार्टर्स बनाए हैं. अब अगर मैं बी को 4625 करूं, 4625 डिवाइडेड बाय 4500, ये 100% से ज्यादा एफिशिएंसी देता है, और 100% से ज्यादा एफिशिएंसी होगी तो इसको 15% बोनस मिलेगा. तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13. अब आइएगा 14. ये आपका 2003 में आया था इंसेंटिव प्लान, ये एग्जैक्टली कॉपी हुई है मैट्स दूसरे के क्वेश्चन की, सेम उसी तरह, इवन दैट वैल्यूज हैव नॉट चेंज्ड, वैल्यूज भी चेंज नहीं है. तो इसमें भी देख लें क्या रिक्वायर कर रहा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल शोइंग वीकली अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अज्यूमिंग 100% बोनस प्लान विद अ बेस वेज ऑफ ₹6 पर आवर एंड अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट ऑफ 30 यूनिट्स पर आवर. ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये मेंशन नहीं है कि बोनस की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करनी है या वीकली बेसिस पे करनी है. बहुत फर्क आता है, ये याद रखिएगा. सम टाइम डेली बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा तो एक एक दिन की अमाउंट की आपको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक एक दिन जो है उसका बोनस अलग निकलेगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं वीकली लूंगा तो वो सम करके कैलकुलेट होगा, तो जब एग्जामिनेशन में गिवन ना हो तो देर इज नो नीड कि हम इसको एनुअल उसको डेली बेसिस पे कैलकुलेट करें. इसको दोनों से कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स देखें तो 6 मार्क्स है. मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इसको कि आप पूरा डेली बेसिस पे इसको कैलकुलेट, इसको आप वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करें, और इसमें 100% बोनस प्लान. तो बिल्कुल सिंपली क्या करना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ गाइडलाइन दे रहा हूँ. नंबर वन, आप क्या कैलकुलेट करोगे एक ही सीक्वेंस में. सबसे पहले कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है. अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखिए यहाँ दी हुई है 30 यूनिट्स पर आवर. अब पूरे वीक की अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल आवर्स आप टोटल कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5 का 40 आवर्स, ठीक है, 8, 5 का 40 आवर्स, और 40 आवर्स का यहाँ थोड़ा सा हिंट दूंगा क्वेश्चन नंबर 14 में. चाहता हूँ करो ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसको. क्वेश्चन 14 में देखो तो 40 आवर्स है और स्टैंडर्ड है उसका 30, यानी 1200 मेरा स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगी, ठीक है. अब एक्चुअल प्रोडक्शन देखें कितनी की है, इन सबको ऐड कर लेंगे, 270 प्लस 210 प्लस 300 240 260 ये आ रहा है 1280, ठीक है. तो एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी आ रही है, एक्चुअल आ रही है 1280. अब यहां कोई मैंने परसेंटेज नहीं निकालनी प्लीज, यहां पर वो कह रहा है जी कि बोनस है 100% प्लान. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था हैजले प्रीमियम, हैजले प्रीमियम में क्या था 50% ऑफ टाइम सेव. तो यहाँ 100% बोनस प्लान का मतलब है कि 100% ऑफ टाइम सेव, तो मुझे टाइम सेव निकालना है. तो इन शॉर्ट ये जो 1200 है ये टाइम अलाउड है इस लैंग्वेज में, ये टाइम टेकन है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टाइम सेव होगा, ठीक है. अब टाइम सेव निकालना है. अच्छा ये तो यूनिट्स है ना, इसको टाइम अलाउड और एक्चुअल में कन्वर्ट करके मैं कैलकुलेट करूंगा. अब इसके शॉर्टकट क्या है ये छोड़ दें, मैं शॉर्टकट बताऊं. देखिए एक्सेस प्रोडक्शन कितनी है, जैसे पहले निकाली एक्सेस प्रोडक्शन है 1280 माइनस 1200 व्हिच इज इक्वल टू 80. ये एक्सेस प्रोडक्शन दी है उस पर्सन ने, जो भी एम्प्लॉई है उसे 80 यूनिट ज्यादा बनाए हैं. अगर 80 यूनिट ज्यादा बनाया तो उसका उसका बोनस आवर्स कितने बनेंगे, मैं बोनस आवर्स निकाल रहा हूं. 100% ऑफ टाइम सेव्ड. देखो अगर उसने 80 यूनिट ज्यादा बनाए हैं तो कितना टाइम सेव किया. आप सिर्फ ये माइंड में रखोगे कि 80 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए था, जबकि स्टैंडर्ड कह रहा है 30 मिनट्स में एक यूनिट बनना चाहिए. अगर एक पर्सन 30 यूनिट्स बनने चाहिए वन आवर में. अगर एक पर्सन 80 यूनिट बनाता है और 30 यूनिट उसका स्टैंडर्ड है, इसको डिवाइड करें तो 2.67 जो है ये हमारे बोनस आवर्स हो गए. यही टाइम सेव्ड है,
और टाइम सेव का 100% जो है वो बोनस आर होगा, ये 2.67 जो है दैट शुड बी द बोनस आर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लोगे बेसिक पे भी और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी रेट है, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, एफिशिएंसी प्लान। क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें देखें, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कैलकुलेट द ग्रॉस वेजेस ऑफ वर्कर अकॉर्डिंग टू पीस वर्क विद अ गारंटीड वीकली वेज अंडर रोवन बोनस प्लान अंडर हैजले प्रीमियम बोनस 50% टू द वर्कर। आई थिंक दिस इज अ नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसको खुद करोगे बड़े आराम से निकलेगा ये। अब क्वेश्चन शुरू होने लगे यहां से, प्लीज यहां से जो क्वेश्चन है वो आसान नहीं है 16 से, एक एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा और बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, इसको मुझे काफी सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 16 की अगर हम रिक्वायरमेंट पहले देखें, वो कह रहा है प्रिपेयर अ टेबल शोइंग पर यूनिट कॉस्ट एट प्रेजेंट एंड वेरियस एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और इतना सा क्वेश्चन है और 16 मार्क्स का है, ये केयरफुली आपने देखना है। तो प्रेजेंट लेवल पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी और आप डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एबीसी कंपनी हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग 7 to 80 यूनिट्स पर मंथ ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग द सेम एट अ प्राइस ऑफ ₹150 पर यूनिट। ये तो खैर सेल प्राइस है, प्रोडक्शन मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो 8190 यूनिट बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगला देखें, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है जी नहीं 9100 यूनिट पर मंथ बनेंगे। अब देखिए तीन हमारे पास चॉइसेस है, तीन डिफरेंट हमारे पास एक्सपेक्टेशन है और करंट हमारे पास 7 to 80 बन रही, ये चार हो गए। अदर डाटा इज एज अंडर, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है पर मंथ, वेरिएबल ओवरहेड ₹73 मशीन पर आवर, डेली वेज हमारे 8 आवर शिफ्ट है, 200 पर पर्सन हम उसको पे कर रहे हैं। यहाँ से हम आवरली रेट निकाल लेंगे, अगर हम ₹200 पर डे का पर पे कर रहे हैं और 8 आवर्स की शिफ्ट है तो पर आवर जो हम उसको पे कर रहे हैं यकीन 200 divided by 8 = 25। उसके बाद नंबर ऑफ मशीन जो है वो 10 है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड जो है वो 2 पर मशीन आर, यानी एक मशीन पर 2 वर्कर्स हमें चाहिए होंगे। स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो है वो 28 यूनिट्स पर मशीन है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें 75 गिवन है और वर्किंग डे इन अ मंथ 26 है। सारा डाटा आपने माइंड में रखना है, रिक्वायरमेंट एक दफा फिर देखिएगा। प्रिपेयर अ टेबल शोइंग पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट लेबर कॉस्ट नहीं कहा प्लीज उसने, पर यूनिट कॉस्ट, जब पर यूनिट कॉस्ट कह रहे हैं उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इसमें डायरेक्ट लेबर भी आएगा, इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आएंगे, वेरिएबल भी और फिक्स भी। ठीक है, तो अब इसमें एट प्रेजेंट एंड वेरियस एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फाइन। क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर देखें, स्टेबल बनानी है वो तो छोटा सा, लेकिन वर्किंग इसमें से, तो अब मैं शेयर करूंगा इसको आपके साथ स्लाइड।
यहां हम इसकी टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब टेबल में हमारे पास फोर एक्सपेक्टेशंस है, एक तो करंट लेवल और थ्री एक्सपेक्टेशन। पहले मैं लिखूंगा करंट लेवल, क्वेश्चन नंबर 16 सर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। एक तो करंट लेवल आ गया और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी ऑनर्स। ऑनर्स की एक्सपेक्टेशन, ऑनर्स के बाद है प्रोडक्शन मैनेजर की एक्सपेक्टेशन, और लास्ट में आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर। सर जी, सर सर ये स्कैन आ रहे हैं यार कि आप म्यूट कर दें, उसकी वजह से आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं। अच्छा ये ऑन है जी सर, उनकी ऑन है। जी ओके जी, अब देखते हैं ये फोर लेवल आ गए। अब इन फोर लेवल पे ये क्वेश्चन साथ साथ मैं देखूंगा, आप साथ साथ लगाता रहेगा, क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा बार बार। तो अब मुझे चार कॉस्ट चाहिए, तो पहले क्यों ना हम मटेरियल लें जो आसानी से हो सकती है, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन आपकी है ही लेबर पे, क्योंकि चैप्टर ही लेबर का है। तो पहली कॉस्ट हम लेते हैं जी डायरेक्ट मटीरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और चूंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा, ये देखिएगा ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर यूनिट है, ठीक है, और लेबर कॉस्ट दी ही पर यूनिट है 75, ठीक है, ये देख सकते हो लेबर कॉस्ट दी ही आपको पर यूनिट है 75, तो इट मींस इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 75 ही रखूंगा इसको पर यूनिट में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसकी टेबल की हेडिंग में हम लिखेंगे पर यूनिट, तो वो चाहे किसी की भी एक्सपेक्टेशन हो, पर यूनिट कॉस्ट लेबर मटीरियल की तो चेंज नहीं होगी, ये तो सेम है। अच्छा उसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट लेबर, और यकीनन डायरेक्ट लेबर की जो है वो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यही तो आपका पूरा क्वेश्चन है लेबर पे। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड जो है ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और इवन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन तो है, लेकिन इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये क्योंकि मैं पर यूनिट बना रहा हूँ तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, इन चारों को मैं लेकर पहले लिख लूंगा। तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया आंसर का, बस इतना सा आंसर मैंने देना है इन चार चीजों। अच्छा अब इसके बाद अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, पहले मैं लूंगा लेबर को, ठीक है, लेबर की हम वर्किंग करते हैं वर्किंग नंबर 1, और इसी की वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होगी लेबर की। तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 100% बोनस प्लान उसने ऊपर कहा था हमें क्वेश्चन में, ठीक है, ये देखिएगा इंप्लीमेंट 100% बोनस प्लान। जब 100% बोनस प्लान का वर्ड आ गया तो ऑलवेज रिमेंबर आपने फॉरन माइंड में रखना है मुझे ये चाहिए कि टाइम सेव कितना किया है, जितना टाइम सेव करेगा उतना ही उसको बोनस मिल जाएगा। तो पहले वही कैलकुलेशन करते हैं, मैं चूंकि मेरी एक आदत है कि मैं एक ही फॉर्मेट रखता हूँ, एक ही मैथड यूज करता हूँ, मैं हर क्वेश्चन उसी मैथड से करूंगा। अब देखिए मैं इसी फॉर्मेट को यूज करूंगा जो मैंने यहाँ लिया, ये देखिए, हालांकि ये मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, उसी से नीचे कर रहा हूँ एक्सेस। पहले पे एक्सेस प्रोडक्शन के लिए क्या निकालूं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे निकलेगी ये क्वेश्चन में देखें,
हमारे पास स्टैंडर्ड कैपेसिटी है 28 यूनिट्स पर मशीन, दिस वन, इसको माइंड में रखना है। ये पहली अमाउंट आ रही है मेरी, 28 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ मशीन कितनी है, चूंकि ये पर मशीन कह रहे हैं तो मुझे नंबर ऑफ मशीन चाहिए। नंबर ऑफ मशीन मेरे पास है 10, ठीक है। और हर मशीन जो है वो आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस, वर्किंग डेज कितने, सॉरी कितने दिन चलेगी, 26, क्योंकि पर मंथ है ना, एक महीने में 26 डेज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, मेरे पास 10 मशीन्स हैं, और मैंने मशीन क्यों ली, क्योंकि ये जो आपको कैपेसिटी स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो पर मशीन है। इससे पहले क्वेश्चंस में लेबर पर होता था, ये मशीन पर है, तो जिस पर बेस हो उसको आपने लेना होता है। अब नंबर ऑफ मशीन है 10, अब पूरा महीना मशीन 26 डेज अगर चलती है, और एक मशीन जो है वो 28 यूनिट बनाती है, दिस इज द स्टैंडर्ड। चाहे करंट हो, ऑनर्स हो, प्रोडक्शन हो, मैनेजर का कॉन्सेप्ट हो, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, इसको मल्टीप्लाई करें 7280, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, करंट सिनेरियो में उसने हमें दी थी जी कि इस वक्त हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऊपर बिल्कुल ऊपर आपको नजर आएगा दिस वन 7280 यूनिट, इस वक्त हम 7280 यूनिट ही बना रहे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन 7280 हुआ। और जब ऑनर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, जी कितने यूनिट बनेंगे, 7800 यूनिट, जब ऑनर की एक्सपेक्टेशन 7800 तो एक्चुअल में 7800 होगा। ये याद रखिएगा, करंट लेवल जो मैं ले रहा हूं वो एक्चुअल है और ये एक्सपेक्टेशंस है सारी। प्रोडक्शन मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, वो कहता है 8190 यूनिट बनेंगे, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 9100 यूनिट बनेंगे, ठीक है। तो अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सेस प्रोडक्शन। अब एक्सेस प्रोडक्शन करेंटली तो कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हम ऑनर्स की एक्सपेक्टेशन पे जाते हैं तो ये हमारे पास 520 एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर पर मूव करते हैं तो जैसे एक्सेस प्रोडक्शन आई, अब हमारे पास इसी की बेस पे हमने अब बोनस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पहले इसकी सैलरी बना लेते हैं, यहां पर हम एक ही स्टेप में करेंगे, बेसिक पे, ये पे तो सेम रहेगी ना, पे में तो कोई फर्क नहीं आएगा, बेसिक पे कैसे बनेगी। देखें, आपने कितने एम्प्लॉय लेबर का बनाना है, आपने मशीन 10 है और 2 एम्प्लॉय रखे हुए हैं पर मशीन, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ नंबर ऑफ लेबर वर्कर्स कितने होंगे। ऑब्वियसली वेरी सिंपल, नंबर ऑफ जो वर्कर्स होंगे वो आपके 20 होंगे, क्योंकि 10 मशीन्स है, एक मशीन पर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये 20 आ रहा है, ठीक है। 20 वर्कर्स हैं, हर वर्कर को आप कितना पे कर रहे हो, 8 आवर शिफ्ट के लिए 200 रुपीस और 26 वर्किंग डे, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 26 डेज है और मल्टीप्लाई 200 रुपीस पर डे पे कर रहे हो, इसे मल्टीप्लाई करें कितना आया, 104,000। और ये जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है बेसिक पे, वो हर एक में सेम रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगी, 104। अच्छा, अब मुझे इसका बोनस कैलकुलेट करना है, अच्छा अब देखिएगा बोनस का उसने क्या कहा है, 100% बोनस प्लान, 100% हमारा बोनस प्लान है, तो टाइम सेव तो हमारा क्लियर है, ऊपर करंट सिचुएशन में है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो बोनस कैसे निकलेगा, बोनस हो ही नहीं सकता। अब आइएगा ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कितना उसके एक्स्ट्रा टाइम सेव किया है। अच्छा, अब देखिए आपके पास इसकी कैलकुलेशन ऑनर की मैं यहां ले आता हूं,
520 उसने एक्सेस यूनिट बनाए और एक वन आवर में उसको कितने यूनिट बनाने थे वन आवर में, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? शाबाश, कैलकुलेट कीजिएगा। आप देखो पर आपकी मशीन कितनी, 28, ठीक है, 28 यूनिट बना रही है। केयरफुली देखना है, 28 यूनिट बना रही है, ये एक मशीन बना रही है आपकी 28 यूनिट। एक मशीन कितने घंटे चल रही है, 8 आवर्स। अगर मशीन 8 आवर चल रही है तो लेबर भी 8 आवर काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए 28 को 8 में डिवाइड करो तो 3.50 स्टैंडर्ड हो जाएगा पर आवर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे आप 3.50 से, ये बड़ा अहम पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो 520 को आप डिवाइड करोगे 3.50 पे तो 148.57, तो इसको राउंडिंग कर दें बिशक, 149 और जो है वो सेव किए हैं, ऑनर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सेव करेगा, ठीक है। तो अगर 149 आवर्स करेगा तो उसका रेट क्या है, रेट तो आपको क्लियर निकल आएगा, 200 पर डे है उसकी। अब रेट पर आवर निकालना हो, 200 रुपीस हम उसको सैलरी दे रहे हैं पर डे, और एक दिन में 8 आवर्स काम करता है तो रेट 25 हो जाएगा। तो जब मैं 149 को मल्टीप्लाई करता हूँ 25 से तो ये मेरा 3725 का बोनस आ जाएगा ऑनर के पॉइंट। क्या मैंने एक कैलकुलेट कर दिया, बाकी अब आसान हो गए। प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने एक्सेस प्रोडक्शन कितनी होगी, 910 डिवाइडेड बाय 3.50। अब इसको कैलकुलेट किया, 910 डिवाइडेड बाय 3.50 दैट इज 260। प्रोडक्शन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से 260 यूनिट ज्यादा बनेंगे, रेट वही रहेगा 260 इनटू 25 जी। 3.5 कैसे आया जी, देखिए डाटा में देखें, आपको दिया हुआ है यहाँ पर लेबर आवर्स नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड किस में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड दिया हुआ है हमें, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसमें 28 यूनिट्स पर मशीन, एक मशीन 28 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली एक मशीन ऑपरेट कितने आवर्स करती है एक दिन में, और तो क्लियर है उसने ऊपर शिफ्ट दी हुई है 8 आवर्स। जब मशीन 8 आवर्स चलेगी तो लेबर भी तो 8 आवर काम करेगा ना उसके ऊपर, तो लिहाजा इट मींस के 28 यूनिट 8 आवर्स में बनेंगे, तो पर आवर कितने बनेंगे, बनने चाहिए 28 by 8 3.50, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर लेबर आवर, ठीक है। ये आपको पर मशीन दी हुई थी, उसको आपने पर मशीन आवर कन्वर्ट किया और पर मशीन आवर पर लेबर आवर है, ठीक है, वो इक्वल है। इसी तरह आप कैलकुलेट करें लेबर कॉन्ट्रैक्टर का, अब ये मैं कैलकुलेटर पे ही कर रहा हूँ, इसका 1820 है तो ये डबल कर दो, क्योंकि 1820 है, 910 का डबल है तो 6500 इंटू 2 कर दो, वही आंसर आएगा, कैलकुलेट खुद करोगे 13,000। अच्छा, अब इसको प्लस करोगे ये लेबर कॉस्ट हो गई, ये वर्किंग वन मेरी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, इसको प्लस करोगे ये वर्किंग वन आ गए। अब आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा, ओके, ये पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, ये मैं पर यूनिट, तो फिर क्या करोगे, एक स्टेप और करोगे, इसको टोटल करने के बाद इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, और यूनिट्स वही है जो आपने लिए थे उसमें, ये 7280 इसके यूनिट्स होंगे, 7800 इसके यूनिट्स होंगे, 8190 इसके यूनिट्स होंगे, 9100। ये क्वेश्चन मैं इनकम्प्लीट सारे छोड़ूंगा, खुद मुकम्मल करने हैं, इसके बाद आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये यूनिट कॉस्ट जो है वो लेबर में आप इसको शो कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में आइएगा, क्या कह रहा है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वो कह रहा है जी दिस वन 73 पर मशीन आवर, एक मशीन आवर पे 73 आपकी लेबर वेरिएबल कॉस्ट लगती है, ये पर मशीन पर आवर,
एक मशीन अगर 1 घंटा चलेगी तो 73 आपकी कॉस्ट लगेगी। अच्छा आपके पास कितनी कितने आवर्स हैं एक दिन में? एक दिन में कितने आवर्स हैं? 8, तो 73 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर ये पर डे आ जाएगा, और उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर सॉरी इससे नंबर ऑफ डेज से, 26 से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी टोटल कॉस्ट की, और टोटल कॉस्ट अब कैलकुलेट हो जाएगी, तो आप उसको यूनिट कॉस्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं अगर आपको बताऊं, हम मंथली कैलकुलेट ही नहीं करते, हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं। ये जो 28 है ये पर डे होते हैं ना, 28 पर मशीन है, तो 73 आपकी लेबर कॉस्ट है। ये देखो शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये एक स्टेप पे मैं निकाल देता हूँ। 73 पर मशीन आ रहा है, पर मशीन पर आवर, 1 घंटे में एक मशीन चले तो 73 रुपीज कॉस्ट है। मैं एक दिन की बात माइंड में रख रहा हूँ, एक दिन में एक मशीन 8 घंटे चलती है, इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे दिन में कितने यूनिट तैयार करके देती है? 28। आप समझ आई बात? यानी 73 कॉस्ट है मेरी, 73 मेरी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 8 और अगर काम करेगा पर डे, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 584 है पर डे, और 28 मेरी यूनिट बन रहे हैं, सो मैं कह सकता हूं 584 कॉस्ट 28 यूनिट्स की है, तो ये 20.86 कॉस्ट आएगी, और ये जो 20.86 कॉस्ट है ये मैंने वर्किंग 2 यहां लिखता हूं, ये वर्किंग 2 आएगी। और याद रखिएगा कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हर लेवल पर सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होते, 20.86 20.86 एंड सो ऑन, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट विल नॉट चेंज पर यूनिट एट ईच लेवल, पर यूनिट मैंने बात की। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल में चेंज नहीं होते, ये आप पढ़ के आए हो कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे टोटल में चेंज नहीं होते, ठीक है, तो इट्स ओके, लेकिन पर यूनिट में तो चेंज हो गए। अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? ये तो ये देखो, ये तो गिवन है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये गिवन है 264348 वर्किंग 3, 264368, चाहे करंट लेवल हो, ऑनर्स लेवल हो, प्रोडक्शन मैनेजर का हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का हो, टोटल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन यूनिट कॉस्ट तो चेंज होगी ना। करंट लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने यूनिट बनेंगे? 7280, इसको डिवाइड कर दें तो ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 264368 डिवाइडेड बाय 7280 विच इज 36.31। इस वक्त जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट है वो मेरी 36.31। इसी तरह ऑनर्स की तरफ आएंगे, ऑनर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो ये 264368 ही रहेगा, लेकिन इसको डिवाइड करोगे आप कितने यूनिट हैं जी? 7800 एक्सपेक्टेशन ये है कि 7800 यूनिट होंगे, तो 264368 डिवाइडेड बाय 7800 यूनिट 33.89 यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, 33.89। और जैसे जैसे यूनिट ज्यादा बनते जाएंगे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एंड पे आप टोटल कर लोगे, जहां आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी वो, बस उसने आंसर मांगा, उसने ये रिकमेंडेशन कहीं नहीं मांगी, उसने कहा कि बस कैलकुलेट कर दो कि यूनिट कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अच्छा अब इसके अलावा मैं आपको 17, 18, हमारी मेरे ख्याल नेक्स्ट क्लास कल है, और 19, ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको खुद कोशिश कीजिएगा, 17, 18 और 19, और इसे प्रीवियस वीक।